शुभकामनाएं। नवरात्रि में नौ दुर्गा की पूजा की जाती है और अपने पिछले वीडियोस में हमने नौ दुर्गा के आठवें स्वरूप तक चर्चा कर ली है और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं नौ दुर्गा के नौवें स्वरूप जिनका पूजन नवरात्रि के नवमी के दिन किया जाता है। माँ दुर्गा ने अपना नवा अवतार सिद्धिदात्री देवी के रूप में लिया और इनका पूजन नवरात्रि के नवमी दिन किया जाता है। आइए नौ दुर्गा के इस नवे अवतार के नाम का अर्थ जानते हैं और इस नाम के पीछे की कहानी भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इस नाम के अर्थ के बारे में। सिद्धिदात्री यानी कि सिद्धि और दात्री। सिद्धि का मतलब यहाँ पर हो गया सुपर नेचुरल पावर और इसके अलावा इसका और एक मतलब है मेडिटेटिव एबिलिटी यानी कि ध्यान करने की शक्ति। और वहीं दूसरी तरफ दात्री का मतलब हो गया देने वाली। तो इस तरह से सिद्धिदात्री का मतलब हो गया सभी तरह के सिद्धियों को देने वाली देवी माँ सिद्धिदात्री। देवी सिद्धिदात्री को धन की देवी भी कहा जाता है और ये अपने भक्तों की सारी इच्छाओं को भी पूरा करती है और साथ साथ उन्हें बुद्धित्व का भी आशीर्वाद देती है। सभी वस्तुओं को बहुत ही सहज और सरल रूप से पाने के लिए नवरात्रि के नौवे दिन यानी कि नौमी के दिन देवी सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। देवी सिद्धिदात्री कमल पुष्प पर विराजमान है और इनका वाहन जो है वह सिंह है। इनके चार हाथ हैं, दाहिने ओर के नीचे वाले हाथ में चक्र है और ऊपर वाले हाथ में गदा है। बाईं ओर के नीचे वाले हाथ में कमल का फूल है और ऊपर वाले हाथ में शंख है। देवी सिद्धिदात्री सभी तरह के सिद्धियों को देने वाली देवी है। प्राचीन शास्त्रों में अनिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति प्रकाम्य इषित्व और वसित्व नामक आठ सिद्धियां बताई गई है। ये आठों सिद्धियां माँ सिद्धिदात्री के पूजा और कृपा से प्राप्त की जा सकती है। नौमी के दिन दुर्गा माता के नौवे अवतार माँ सिद्धिदात्री को भोग में तिल लगाया जाता है। तो इस तरह से नवरात्रि नौ दिनों तक बहुत ही ज्यादा धूमधाम से मनाई जाती है और नवरात्रि के नौवे दिन यानी कि अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है।